हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइबर क्राइम ब्रांच ने यहाँ पे बेंगलोर के अंदर कुछ कंपनियों पे छापा मारा है, कुछ कंपनियों पे रेड डाली है अपनी, और उनमें से कुछ ऐसी कंपनी निकली हैं जो कि एक ही कंपनी के अंदर कम से कम 30 से 35 कंपनी चल रही थी। मतलब कि गाइस, एक कमरे के अंदर, एक कंपनी के अंदर 30 से 35 कंपनियां चल रही थी लो नैप्स वाली, और इसमें से तीन लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, और एक ही कमरे में, मतलब एक ही कंपनी में 30 से 35 लोन कंपनियां वो चला रहे थे। तो साइबर क्राइम ब्रांच ने वहां पे जाके बेंगलोर के अंदर और कंपनियों पे छापा मारा है, जिसमें से तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से बहुत सारे लैपटॉप्स, कम से कम 30-40 लैपटॉप्स, 200 से ज़्यादा, मतलब ऐसे नॉर्मल फोन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से इकट्ठा किया गया, उनको सीज किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, आज के वीडियो में पूरा डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही में आप लोगों के लिए मैं एक ऑफर लेके आया हूँ बहुत ही तगड़ा, तो उसके बारे में एक बात करेंगे। तो गाइस, चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और साथ ही में वीडियो डेफिनेटली शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले और वो लोन ऐप से डरना बंद करें। सो गाइस, जो साइबर क्राइम ब्रांच है वो बेंगलोर के अंदर किसी एक कंपनी के अंदर छापा मारा है, और उसके बाद से जब वो छापा मारा तो उसको पता चला कि एक ही कंपनी के अंदर कम से कम लोन ऐप्स वाली 30 से 35 कंपनियां चल रही थी, वहां से रन किया जा रहा था। और दोस्तों, उसने जब छापा मारा तो वहां से कम 200 में से ऐसे नॉर्मल फ़ोन, कीपैड वाले कॉलिंग के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, हो सकता है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, लेकिन 200 से ज़्यादा गाइज वहाँ पे कीपैड फ़ोन मिले, 30-35 से ज़्यादा लैपटॉप उन्होंने सीज किए, 5 उन्होंने चेकबुक सीज किए, और ये साइबर क्राइम ब्रांच ने वहाँ पे छापा मार के इन सारी चीज़ों को सीज किया है। गाइज, आप सभी लोग अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सोचिए, एक ही कंपनी कमरे के अंदर 30 से 35 कंपनी चला रहे थे, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। और ये करते क्या थे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट करते थे लोगों को, लोन देके उनको रिकवरी एजेंट बन के परेशान करते थे, और इतना परेशान कर देते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे सिर्फ उस कंपनी में बैठ के लोगों को, सिर्फ और सिर्फ मेंटली टॉर्चर करते थे, और इतना परेशान कर देते थे कि लोग सुसाइड कर लेते थे, और लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे। ठीक है, तो ये एक ही कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ इतना ज़्यादा गुड़ागरित खेल रहे थे वो लोग। ठीक है, तो दोस्तों, ये है कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ, और आप लोग इनके चंगुल में आ जाते हो, और फिर उसके बाद से फंस जाते हो, और आप लोग हो जाते हो परेशान। ठीक है, लेकिन इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, एक ही कमरे में बैठ के गाली गलौज कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी गाइस, जैसे भी और डिटेल आता है मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही में दोस्तों, आज मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर, जो लोग लोन ऐप्स बैन हो गई थी वो अपना लिंक भेज रही हैं कि पेमेंट कर दो, जो लोन ऐप्स का नाम बदल गया, जो प्ले स्टोर से हट गई हैं, वो भी लिंक भेज रही हैं कि मुझे पेमेंट करो। तो गाइज, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्जी जो APK लिंक आ रहा है उस पर आपको पेमेंट करना है कि नहीं? सो गाइज, उस पर आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है, जो भी फर्जी APK लिंक आ रहा है उस पर आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उससे पेमेंट करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट के अकाउंट में जाएगा, कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद कंपनी आपको दोबारा से बोलेगी रीपेमेंट करने के लिए कि आप रीपेमेंट करिए, आपका लोन बाकी है। तो कोई भी मतलब नहीं है APK वगैरह से पेमेंट करने का, आप उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना बोलो कि जब आपका ऐप ही हट गया है, एप्लीकेशन ही हट गया है, तो हम पेमेंट कहाँ से करें। और साथ ही में ये भी बोलो, जो भी RBI का गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है, कोई NBFC से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी अगर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर तक नहीं दे रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उससे यही बोलो कि भैया, आप हमें लोन एग्रीमेंट लेटर भी नहीं दे रहे हो, NBFC से रजिस्टर्ड भी आप पता नहीं हो कि नहीं, नाम भी नहीं बता रहे हो, तो आप हमसे सेटलमेंट करो, और उसके बाद हम आपका पेमेंट करेंगे पेनल्टी को और इंटरेस्ट को माफ़ करके। अगर वो आपके साथ थोड़ा ज़्यादा गाली गलौज नहीं करिए, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाइए, थोड़ा प्यार से पोलाइटली बात करिए, तब आप उससे ये प्रस्ताव उसके सामने रख सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे गाली गलौज करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आपको खूब परेशान करिए, तो फिर उसको आप ये भी चांस मत दीजिएगा, और एक रुपये पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी APK वगैरह से अगर आप लोग पेमेंट करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की गड़बड़ी है, आप लोग ही इसके जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। मैं बार बार वीडियो बना के बता रहा हूँ कि APK वगैरह से पेमेंट नहीं करना है। और भी मेरे ऊपर कमेंट आया था मेरे मतलब कि वीडियो में कि सर, अब लोग बोल रहे हैं कि हमारा आधार और पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, तो गाइज आपको मैं पूरा क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ID किसी का बाप भी नहीं ब्लॉक कर सकता है जब तक गवर्नमेंट ना चाहे, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है।
गवर्नमेंट आईडी, आधार, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है, सीज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है आधार और पैन, उसको तो कभी कोई कर ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। और ये भी नहीं कर सकता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले, वो बस जमा कर सकता है, निकाल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है, उनके पास ये नहीं होता है कि ये उनके पास नहीं होता है सिस्टम कि आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले, इसका कोई उनके पास तरीका है ही नहीं, ठीक है। वो कोई नैच वगैरह अगर आपने लिंक कराया है तब वो भले निकाल सकते हैं, लेकिन ये फर्जी लोन ऐप्स वाले नैच वगैरह क्या ही लिंक करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों, ये सब चीज़ों से आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आपके सामने निकल निकल के आ रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो भी जो 30-35 कंपनियाँ एक ही कमरे में पकड़ाई हैं, वो कुछ ऐप्स का नाम लिए हैं जो कि बताई हैं कि हाँ ये चाइनीज़ हैं, वो ऐप चाइनीज़ हैं, वो खुद कन्फेस करी हैं कि ये ऐप चाइनीज़ हैं, जिसमें नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, मनी डे, लोन टाइम, पैसा पे, रुपी डे, रुपी कार्ड और इन कैश, ये सारी जो एप्लीकेशन है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन चाइनीज़ हैं, जो ये कंपनियां अभी जो कि साइबर क्राइम ब्रांच ने जिन कंपनियों को बेंगलोर में पकड़ा है, वो खुद ही कन्फेस करी हैं कि ये सारी कंपनियां चाइना की हैं, ठीक है। जैसे फिर से मैं नाम बता दे रहा हूँ, मनी डे, लोन टाइम, पैसा पे, रुपी डे, रुपी कार्ड और इन कैश, जैसी कंपनियां चाइनीज़ हैं। तो गाइज़ अगर आप इन सभी कंपनियों से पैसा लियो तब तो बिल्कुल भी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो चाइनीज़ है, बिल्कुल ही भारत में इलीगल तरीके से काम कर रही हैं। और भी अगर आप कोई और भी कंपनी से लियो, अगर वो लोन एग्रीमेंट नहीं, लेटर आपको नहीं दे रही है, या आप कोई NBFC का नाम नहीं बता रही है, तो आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। और आगे भी जैसे डिटेल मिलता है मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा, आपका व्हाट्सएप, आप मुझसे व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू, वॉइस कॉल के थ्रू, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ हूँ मैं, मेरा कुछ सर्विस चार्ज है दोस्तों, जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, 500 रुपीज़ का। मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पैसा पेड करके, गूगल पे, फ़ोन पे, नंबर भी मेरा वही है, वहाँ पे आपको 500 पेड करना है और मुझको मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है। उसके बाद से 1 महीने तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, 1 महीने तक आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉलिंग पे बात कर सकते हो बिना किसी झिझक के, रात दिन कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो, फेसबुक सॉरी फ़ोन पे कॉल करो, या फिर आप वीडियो कॉल करो, मैं हर तरीके से आपका फ़ोन रिसीव करूंगा। लेकिन बस उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि YouTube ने मुझे ज्वाइन बटन नहीं दिया है ताकि मैं वो आप लोगों को ज्वाइन करा सकूं। तो मैं ये उपाय सोचा हूं कि 500 रुपीज़ का आप लोगों को एक अमाउंट पेड करना पड़ेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है, उसमें आपको पैसा पेड करना पड़ेगा 500 रुपीज़। उसके बाद उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, स्क्रीनशॉट भेजना होगा, उसके बाद जो भी आप लोगों को डिटेल होगा मैं आप लोगों से डायरेक्ट कॉल पे बात करूंगा, वो मेरा कॉलिंग का भी नंबर है, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा कि आपने पैसा पेड कर दिया। उसके बाद गाइस जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको सॉल्व करूंगा, फ़ोन पे आपको बताऊंगा या फिर व्हाट्सएप पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में गाइज, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।